और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। पीएम का 30 दिसंबर अयोध्या दौरा, गोंडा पुलिस एसपी ने रूट डायवर्सन का बनाया फुल प्रूफ प्लान। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। बदायूं में किसानों को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। कानपुर में अधिका घना कोहरा, कोहरे के कारण कई ट्रेनें हुई विलंबित, लोगों को हो रही परेशानी। इटावा में शाम के समय हो रही सड़क हादसे, नगर निगम ने नाले की सफाई कराकर बीच रोड पर डाले ईंट पत्थर। सहारनपुर में दबंगों का कहर, पत्रकारों पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उन्नाव में एसपी कार्यालय में आत्मा की घटना के बाद बड़ी सुरक्षा, युवक ने एसपी ऑफिस में किया था आत्मदाह, पुलिस पर लगाए थे गंभीर आरोप। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में करवाया भर्ती। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक को लगी गोली, दो भागने में हुए कामयाब। शामली में कड़ाके की ठंड से स्कूलों में छुट्टी घोषित, कक्षा 1 से 8 तक की 2 दिनों की छुट्टियां हुई घोषित, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। संभल में राजकीय इंटर कॉलेज के पास छापेमारी, एसडीएम व सदर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। मेरठ में दंपत्ति से बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, विरोध करने पर युवक को मारी गोली। एटा में शिक्षा के मंदिर को बनाया नशे का अड्डा, बच्चों के आगे सिगरेट पीते नजर आए शिक्षा मित्र। गाजियाबाद में प्रशासन के निर्देशों का हुआ उल्लंघन, 2 दिन के अवकाश के आदेश को कुछ स्कूलों ने नहीं माना। हमीरपुर में धर्मांतरण का सिलसिला जारी, युवती से शादी करने के बाद पति का करवा रहा था धर्मांतरण, पुलिस ने आरोपी मौलवी और पति को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में दबंग ने महिलाओं के साथ की अभद्रता, घर में खुद कर दी महिलाओं को गालियां। बस्ती में डकैती डालने का अनोखा तरीका, पोस्टर लगाकर डकैती डालने का किया ऐलान, गांव में फैली दहशत। एटा में तेज रफ्तार का कहर, दरअसल सड़क के किनारे खड़े 3 लोगों को पिकअप ने रौंदा।